नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं स्वागत करता हूं आपका M&M के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रूमिंग के ऊपर। जी हां दोस्तों, मैं ऐसे कुछ वीडियोस जो आपके पर्सनालिटी को एनहेंस करें ऐसे वीडियोस लेके आता हूं हर हफ्ते। ओके, सो आपको बस मेरे वीडियोस को देखना है, समझना है और फॉलो भी करना है ताकि आपकी पर्सनालिटी को यहां से यहां लेके जाओ। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रूमिंग के ऊपर, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। जैसे हम फैशन के ऊपर बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, उसी तरह से आज हम बात करेंगे ग्रूमिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ग्रूमिंग, क्या ग्रूमिंग जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, ग्रूमिंग जरूरी है, बिकॉज पीपल विल जज यू बाय हाउ यू लुक, ओके, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, ओके, हाउ यू सेल योर सेल्फ, ओके। सो आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, ये जरूरी है। सो इनडायरेक्टली ग्रूमिंग जरूरी है। सो अगर ग्रूमिंग जरूरी है हर उस चीज के लिए जो भी लाइफ में आपको अचीव करना है, और हम ग्रूमिंग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो हमें ग्रूमिंग को इंपॉर्टेंस देना है। और ये आप कैसे दोगे? इन सभी टिप्स को फॉलो करोगे जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो ये टिप्स है क्या, हम ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे तक खत्म कर देंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग इज हैविंग अ गुड हेयर स्टाइल। अभी मैंने जस्ट बाल धोए हैं, सो मेरे हेयर स्टाइल कुछ अच्छी नहीं है, बट स्टिल यू शुड हैव अ गुड हेयर स्टाइल। ओके, जब भी आप कहीं बाहर जाओ, यू नीड टू हैव अ गुड हेयर स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, यू नीड टू हैव, यू मस्ट हैव अ गुड हेयर स्टाइल, बिकॉज आपके बालों से ही आपकी पहचान होगी। ओके, सो हैव अ गुड हेयर स्टाइल। सो वॉट इज अ गुड हेयर स्टाइल? क्या लंबे बाल करना, ये गुड हेयर स्टाइल है? ओके, या पूरा यहां से फेड करके बस यहां बाल रखना, दैट इज अ गुड हेयर स्टाइल। वॉट इज अ गुड हेयर स्टाइल? ऐसा कोई भी हेयर स्टाइल जो आपके फेस को सूट कर रहा है, दैट इज अ गुड हेयर स्टाइल। आपको क्लीन कट रखनी है, ओके, यहां के जो बाल आते हैं, ओके, वो हटा देने हैं, जो कान पे बाल आ जाएंगे ऊपर से वो हटा देने। हैव क्लीन हेयर्स एंड क्लीन हेयर स्टाइल। ओके, आपको इस पहले टिप को फॉलो करना है, दैट इज आपके बालों पे ध्यान देना है, और फिर आना है नीचे, दैट इज योर स्किन, हैविंग अ गुड स्किन। ये आप कैसे कर सकते हो? बाय फॉलोइंग अ गुड स्किन केयर रूटीन। जी हाँ दोस्तों, फॉलोइंग अ गुड स्किन केयर रूटीन, बाय बिल्डिंग अ गुड स्किन केयर रूटीन। एंड हाउ टू बिल्ड अ गुड स्किन केयर रूटीन फ्रॉम बेसिक्स, ये मैंने एक्सप्लेन किया है हमारे पिछले वीडियो में, तो जरूर उस वीडियो को जाके देखिए, बिकॉज उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि आपको क्या यूज करना चाहिए और मैं खुद क्या यूज करता हूँ इन ऑर्डर टू हैव अ नाइस स्किन। ओके, सो आपको दूसरी चीज जो करनी है, दैट इज हैव अ गुड स्किन केयर रूटीन। फेस वॉश, स्क्रब, मॉइस्चराइजर, SPF, फेस पैक, एवरी सिंगल थिंग इज मस्ट। आप बेसिक से शुरू कर सकते हो बस फेस वॉश और स्क्रब करके, फिर धीरे धीरे यू नीड टू अपग्रेड योर स्किन केयर रूटीन। सो होगा क्या, जैसे आप अपग्रेड करोगे आपके स्किन केयर रूटीन को, उतनी अच्छी आपकी स्किन होते जाएगी इन द लॉन्ग टर्म। ओके, अब आप कहोगे कि मैं तो ये यूज कर रहा हूं बट मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, बिकॉज यू आर यूजिंग इट सिंस पास्ट 4-5 days, और आप सोच रहे हो कि यू आर नॉट हैविंग योर गुड स्किन। लेकिन दोस्तों, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ रूटीन, सो इसे रूटीन की तरह फॉलो कीजिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप एवरी सिंगल थिंग आपको फॉलो करने हैं टू हैव अ गुड स्किन केयर रूटीन। वो तीसरी ग्रूमिंग टिप जिस पे आपको ध्यान देना है, दैट इज मेंटेनिंग योर बियर्ड। ओके, मेंटेन करना आपके बियर्ड को। अगर आपको बियर्ड नहीं आती है और बस इतनी 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 दाढ़ी आती है, काटो उसे। ओके, क्लीन शेव करो और वो रॉक करो, यू विल लुक डैम गुड इन दैट इंस्टेड ऑफ दैट। ओके, वो जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बियर्ड आती है, उसे रॉक करने मत जाओ, उसे रखने मत जाओ। ओके, वो लेके बाहर मत जाना, उससे अच्छा है क्लीन शेव रखना। ओके, और अगर आपको बियर्ड आती है और उसे इतनी 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 बढ़ा रहे हो, बुशी बियर्ड, स्टिल वो रख के भी बाहर मत जाना। You need to maintain your beard, okay? आपको बियर्ड रखनी है, रखो। अगर आपको पैची बियर्ड आती है, okay? आप बियर्ड को ब्रश करके ब्लड सर्कुलेशन वहां का बढ़ा सकते हो, ताकि उन पैचेस में भी बियर्ड आना शुरू हो जाए। आप ये कर सकते हो,
और अगर ये पैचेस नहीं जा रहे देन डोंट रॉक द पैची बियर्ड, ये आप पे थोड़ी सूट नहीं करेगी। अगर आपको फिर भी मेरी नहीं सुननी और रॉक करनी है, यू कैन गो आउट वेयरिंग दैट पैची बियर्ड, बट आई विल सजेस्ट डोंट रॉक दैट पैची बियर्ड, ओके। और अगर आपको फुल बियर्ड आ रही है, ओके, यू आर मेंटेनिंग अ गुड बियर्ड, आपको एजेस को ट्रिम करना है, हमेशा याद रखना नेक लाइन, दिस एजेस, साइड बर्न्स शुड बी ट्रिम्ड, एंड एजेस को आपको शेप भी देना है, हमेशा ये याद रखना, एजेस को शेप देना मत भूलना, बिकॉज एक एज्ड, ओके, एक वेल डिफाइंड बियर्ड ये ज्यादा अच्छी लगती है एक बुशी बियर्ड के मुकाबले, ओके। सो बस ये याद रखना, डोंट रॉक अ बुशी बियर्ड, इंस्टेड रॉक अ मेंटेन्ड बियर्ड। दिखनी चाहिए कि आपने बियर्ड पे मेहनत ली है, दिखने दो लोगों को, ओके। सो रॉक अ गुड बियर्ड, मेंटेन योर बियर्ड, ट्रिम इट वंस इन अ वाइल, ओके, एंड रॉक अ ब्यूटीफुल बियर्ड। तो दोस्तों अभी आपको पता चल चुका है कि आपको बालों पे ध्यान देना है, स्किन पे ध्यान देना है और आपके बियर्ड पे ध्यान देना है इन ऑर्डर टू बी वेल ग्रूम्ड। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आपको उस चीज पे ध्यान देना है जो शायद दिखती नहीं है, लेकिन पीपल कैन स्मेल इट और शायद वो स्मेल करके ही आपसे दूर चले जाए, दैट इज नथिंग बट योर बॉडी ओडर। जी हाँ दोस्तों, मेक श्योर योर बॉडी ओडर इज गुड, गुड इनाफ कि लोग आपके बाजू में आके खड़े तो हो सके। अगर वो बॉडी ओडर अच्छा नहीं हुआ, ओके, लोगों को पसीने की स्मेल आ रही है वहां से, शायद लोग आपके पास ना बैठे, शायद वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लूज कर दो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो वेयर अ डिओड्रेंट, वेयर अ परफ्यूम, आप कुछ भी वेयर कर सकते हो, बट मेक श्योर आपकी बॉडी ओडर अच्छी आ रही है, ओके। नाउ व्हेन योर हेयर्स आर ऑन पॉइंट, योर फेस इज ऑन पॉइंट, योर बियर्ड इज ऑन पॉइंट, योर बॉडी ओडर इज ऑन पॉइंट, नाउ व्हाट? दोस्तों नेक्स्ट ग्रूमिंग टिप, ये ग्रूमिंग टिप नहीं है बल्कि ये एक लाइफ स्टाइल है। आप जैसे इसे फॉलो करोगे ये आपके ग्रूमिंग को इम्प्रूव ही कर देगी। तो ये टिप है क्या? That is drinking more water. जी हाँ दोस्तों, आपको ज्यादा पानी पीना है in order to have good skin, good hair, good body. जी हाँ दोस्तों, make sure you drink more and more water, because drinking more and more water, drinking more and more good quality of water is more important, because ये आपके skin को अच्छा करेगा, आपके बालों को अच्छा करेगा, आपके body को अंदर से अच्छा करेगा और बाहर से भी अच्छा करेगा। So make sure you are drinking enough water. Okay, and being hydrated. Okay, stay hydrated because that's important. So, दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आज मैंने आपके साथ शेयर की ये जो पांच ग्रूमिंग टिप्स, जो पांचवी ग्रूमिंग टिप नहीं है लेकिन इट्स अ ग्रूमिंग टिप, ओके। सो इन पांचों ग्रूमिंग टिप्स को आपको फॉलो करना है ऑन रेगुलर बेसिस। कंसिस्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ग्रूमिंग। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन and share this video with all your friends and subscribe to our channel for more videos like this. Tab tak ke liye, take care.